मैं बना रही हूँ गजरेला, और इसके लिए मैंने 2 kg गाजर ली हैं, और ये दूध वाला गजरेला है यानी कि लिक्विड वाला, जो खोए वाला हमने पहले बनाया था वो सूखा था, ये लिक्विड वाला यानी कि दूध का, वो भी दूध का ही है लेकिन ये दूसरा बना रही हूँ मैं, वो गाजर का हलवा होता है, ये गजरेला है। तो 2 kg मैंने गाजर ली है, और इसमें मैंने 1 प्याली चावल डाले थे तो उसकी वीडियो नहीं मैं बना सकी। ये 10 से 15 किलो दूध है, आप अपनी अकॉर्डिंग के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमारे घर का है तो हम तो इतना ही डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर चावल डाले हुए हैं, वो मैंने 1 प्याली डाले थे। अब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएंगे, चावल गल जाएंगे, तो मैं इसमें गाजरें ऐड कर दूंगी। तो व्यूअर्स अभी चावल हमारे गल चुके हैं, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ गाजरें। तो अब मैंने इसमें गाजरें ऐड कर दी हैं, तो इसे हम अब अच्छे से पकाएंगे और इसका मज़ेदार सा फ्लेवर जो भी आएगा या गाढ़ा सा हो जाएगा तो फिर आपको दिखाएंगे कि हमारा गजरेला कैसा बना। आज की डिश यही थी, मौसम भी बहुत मज़े का है, यानी कि आज बारिश हो रही है सुबह से, और पहले ही कहा था कि मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। व्यूअर्स 1 प्याली मैंने बादाम लिए हैं, 1 प्याली ही मैंने पिस्ता लिया है, 1 प्याली काजू लिए हैं, गरी मैंने कद्दूकश की है ये भी 1 प्याली है, और किशमिश मैंने थोड़ी सी ली है क्योंकि हम ये ज़्यादा नहीं खाते, मेरे बच्चों को अच्छी नहीं लगती। इलायची मैंने ली हैं 8 से 10 अदद, और चीनी मैंने टेस्ट के हिसाब से ली है, आपने कम इस्तेमाल करनी है तो कम डाल लें, ज़्यादा खानी है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको दिखाई हैं आप डाल, आपका जैसे आपको अच्छा लगे ये डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। तो वैसे भी गजरेला बहुत अच्छा और मज़े का बन जाता है, अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से, अपने हिसाब से, फैमिली के हिसाब से या जेब के हिसाब से आप डाल सकते हैं जो भी चीज़ आपने ज़्यादा या कम डाली हो। तो व्यूअर सारे मैंने वो जो काट के रखे थे पिस्ता, बादाम, किशमिश और गरी, ये सारी मैंने ऐड कर दी है, और गजरेला भी हमारा तैयार है। अब मैं इसे डिश आउट करूँगी और गार्निशिंग करके आपको दिखाऊँगी, और आप देखिएगा कि हमारा गजरेला आपको कैसा लगता है।